डॉक्टर जी, लिंग छोटा हो तो बच्चे भी छोटा फायदे होंगे। लिंग छोटा हो बड़ा हो, लेकिन जो पैदा होने वाले बच्चे होते हैं वे एक ही तरीके होते हैं। लिंग छोटा रहने पर बच्चा छोटा बने वाले छोटा पैदा होना, लिंग बड़ा हो तो बच्चे बड़ा होना, ऐसा नहीं। उसके बारे में चिंता रहे, बच्चे छोटा रहेगा और बड़ा दिखेगा किस पर आधारित है? हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें जो जीन्स होते हैं वो उन जीन्स की वजह से ही छोटा और लंबा उस पर आधारित होते हैं। हम जीन्स पर आधारित होते हैं लेकिन लिंग के परिमाण पर नहीं। यदि कोई पुरुष को लिंग दो वो केवल 2 इंच होते हैं, लेकिन वह बच्चा वो तो बड़े होने के बाद 6 फीट बढ़ा सकता है। एक पुरुष का लिंग 4 इंचेस होता है, लेकिन उसको जो पैदा होने बच्चा होता है उसकी लिंग तो केवल देखने 2 इंचेस ही रहता है। वह तो देखने के लिए वो चार उसका तो लिंग तो 4 इंचेस हैं, लेकिन देखने के लिए वह तो केवल 4 फीट 5 फीट ही रहते हैं। ये सब किस पर आधारित है? हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन क्रोमोसोम्स जीन्स होते हैं वो जीन्स पर आधारित होता है। इसलिए छोटा दिखता है, लंबा दिखता है, ये सब किस पर आधारित है? हमारे शरीर में जो जीन्स होते हैं जीन्स पर आधारित है, लेकिन हमारे लिंग के परिमाण पर नहीं है। लिंग के परिमाण पर हम पैदा होने बच्चों का छोटा और लंबा वो तो आधारित नहीं है। Multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।